हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लर्नर्स ऑफ आज का जो हमारा सेशन है, अगेन ये जीके और जीएस के हम क्वेश्चंस लेकर आए हैं आपके लिए। आज मॉर्निंग में सेशन नहीं हो पाए थे, इसलिए सेशन हम अभी कंडक्ट कर रहे हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ, हमारे एसएससी और बैंकिंग के न्यू बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं, ऑफलाइन बैचेज हैं। अगर आप ये ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर फर्दर जानकारी के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा हमारा ई लर्नर्स ऐप है जो कि आपको प्ले स्टोर पर अवेलेबल हो जाता है, जिसपे कि आपको टेस्ट सीरीज मिल जाती है ताकि आप टेस्ट सॉल्व करते जाएं और अपनी तैयारी अच्छी करते जाएं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमने लिया हुआ है, इंडिया का फर्स्ट हॉस्पिटल एंड द हर्बल गार्डन वर बिल्ड बाय, यहाँ पर हमने बोला है भारत के पहले अस्पताल और हर्बल गार्डन किसके द्वारा बनाए गए थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जब भी हम हॉस्पिटल या हर्बल गार्डन की बात करते हैं, कुछ भी नई चीज है जिसका पहली बार डेवलपमेंट किया गया है, तो आप ध्यान रखेंगे वो किसके द्वारा किया गया है, वो अशोका जी के द्वारा किया गया है। तो अशोक आप ध्यान रखेंगे, अशोका हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा, अशोका आप ध्यान रखें, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं कि इसके अतिरिक्त इन्होंने और भी बहुत सारे काम किए थे, तो आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर इन्होंने मेडिसिनल हर्ब्स पार्क्स बनवाए हैं। देन उसके अलावा यहाँ पर इन्होंने डिगिंग ऑफ वेल्स कुओं का निर्माण करवाया है, डिगिंग ऑफ वेल्स कुओं का निर्माण करवाया है। इसी के साथ साथ प्लांटिंग ऑफ ट्रीज बहुत सारे पौधे लगवाए थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर पेड़ पौधों के लिए भी इन्होंने काम किया था। इनके बारे में जो भी इन्होंने काम किया, इनके इंस्क्रिप्शंस में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो डिगिंग ऑफ वेल्स और प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, ये आपको याद रखना चाहिए किसके द्वारा किया गया है, तो किंग अशोक के द्वारा यहाँ पर ये किया गया है। बफरिंग का इशू आ रहा है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अशोकन्स इंस्क्रिप्शन इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ मौर्यन एम्पायर नियर पेशावर वर इन, यहाँ पर बात करी गई है कि पेशावर के पास मौर्य साम्राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग में अशोक के जो शिलालेख थे उनके बारे में बात करी गई है कि वो किस लिपि में लिखे गए थे, यहाँ पर इसके बारे में बात करी है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, अलग अलग आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ब्राह्मी स्क्रिप्ट, अरामिक स्क्रिप्ट, देवनागरी स्क्रिप्ट या खरोष्ठी स्क्रिप्ट, ब्राह्मी लिपि, अरामी लिपि, देवनागरी लिपि या खरोष्ठी लिपि। तो अलग अलग चार तरह की यहाँ पर लिपि बताई गई हैं। और अगर इंस्क्रिप्शंस की बात करते हैं अशोक के, तो उसके बारे में, अशोक के शिलालेख के बारे में क्वेश्चन आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा। तो आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो भी इंस्क्रिप्शंस लिखे गए हैं वो खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाता है। इसी के साथ अगर यहाँ पर हम बात करें, तो जब यहाँ पर पहले जो इंस्क्रिप्शंस लिखे गए थे वो लिखे गए थे प्राकृत लैंग्वेज में, जो बहुत पहले इंस्क्रिप्शंस लिखे गए हैं वो प्राकृत लैंग्वेज में लिखे गए हैं। उसके बाद जो लिखे गए हैं वो किस में लिखे गए हैं? खरोष्ठी स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं। तो दो ऐसे इंस्क्रिप्शंस हैं जो कि खरोष्ठी में लिखे गए हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। वो कौन कौन से हैं? तो एक आपको ध्यान रखना चाहिए, सभाज जगराही, शभा जगरही, शभा जगहरी एक नाम ये है, और एक है मानसेरा, मानशेरा, ये आप लोग ध्यान रखेंगे।
तो ये दो नाम लो, आप लोग ध्यान रखेंगे, एक है शभा जगरही करके एक इंस्क्रिप्शन है और एक है मान शेरा करके इंस्क्रिप्शन है। ये दो इंस्क्रिप्शंस जो हैं ये खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं, तो इनका नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द नेम बाय विच अशोका इज रिफर्ड टू हिज इंस्क्रिप्शंस इज, अशोका ने जो अपने इंस्क्रिप्शंस लिखे हैं उनमें अशोका को किस नाम से जाना जाता है, ये यहाँ पर बात करी गई है। तो आप लोग ने पढ़ा होगा चक्रवर्ती, धर्मदेव, धर्मकीर्ति या प्रियदर्शी। तो यहाँ पर जब भी हम अशोक की बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि उनको किस नाम से जाना जाता था, तो प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता था और उनके इंस्क्रिप्शंस में अशोक को मेंशन किया गया है प्रियदर्शी के नाम से। तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे कि प्रियदर्शी यहाँ पर नाम आना चाहिए, ठीक है। सेकंड होल्ड करिए। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे आप, प्रियदर्शी के नाम से यहाँ पर बात करी गई है और प्रियदर्शी ही कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर रहे हैं। यहाँ पर हमने विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड की बात करी है, कौन सा सही मिलान नहीं किया गया है इसके बारे में यहाँ पर बात करी गई है। तो देख लीजिए यहाँ पर हमको चार ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहला दिया हुआ है हमें कुमार गुप्त के बारे में, कुमार गुप्त प्रथम के बारे में, मंदसौर स्क्रिप्ट, मंदसौर शिलालेख उनसे रिलेटेड है। दूसरा दिया हुआ है पत्रिका जिनको तक्षशिला इंस्क्रिप्शन उससे रिलेटेड है। फिर दिया हुआ है प्रभावत्सी गुप्ता और ये उदयगिरी केव इंस्क्रिप्शन और समुद्रगुप्त ईराना शिलालेख लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इसका सही उत्तर बताऊंगी आपको तो यहाँ पर आंसर सी जो है वो करेक्टली मैच्ड नहीं है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम उदयगिरी की गुफाओं की बात करते हैं तो उदयगिरी की जो गुफाएं हैं वो प्रभावती गुप्त के नाम से कहीं भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन जो होता है वो हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीफ स्कल्पचर्स इंस्क्रिप्शन इज रेन्यो अशोका किंग अशोका मेंशन्ड अलोंग विद द स्टोन पोर्ट्रेट ऑफ अशोका। यहाँ पर बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस राहत मूर्तिकला शिलालेख में अशोक के पत्थर के चित्र के साथ रान्यो अशोक राजा अशोक का उल्लेख किया गया है। तो याद रखना है रान्यो अशोक मतलब राजा अशोक की बात करी गई है, इसका उल्लेख किस इंस्क्रिप्शन में किया गया है। तो यहाँ पर अलग अलग दिए हुए हैं कगनहल्ली, सांची, शाहबाजगढ़ी और सोहगोरा, अलग अलग जगह के इंस्क्रिप्शंस के बारे में बात करी गई है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर कंगनहल्ली करके जो है ये वाला जो इंस्क्रिप्शन है जो कि किस नदी के किनारे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा बैंक ऑफ भीमा रिवर। तो भीमा नदी के किनारे आपको ये देखने के लिए मिलेगा, कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, भीमा नदी के किनारे, ठीक है ना। तो भीमा नदी याद रखेंगे। और अगर मैं बात करूं भीमा नदी कहाँ पर बहती है तो आपको ये गुलबर्ग डिस्ट्रिक्ट जो है, गुलबर्ग डिस्ट्रिक्ट जो है हमारा कहाँ का, कर्नाटका का, वहां पर आपको ये देखने के लिए मिल जाएगी। तो ध्यान रखेंगे गुलबर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका जो है वहां पर आपको ये कंगनहल्ली करके जो है इंस्क्रिप्शन शिलालेख ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जहां पर राजा अशोक के नाम के लिए रान्यो अशोक लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो गया है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लाइज एट द जंक्शन ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु स्टेट। निम्नलिखित में से कौन सा एक कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के जंक्शन पर स्थित है। अब यहाँ पर जंक्शन की बात करी हुई है कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु।
तो यहाँ पर याद रखना है, जहां पर भी इनका कॉन्फ्लुएंस होता है, जहां पर भी ये मिलते हैं, उस पर्वत का नाम है, उस हिल्स का नाम है नीलगिरी हिल्स। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाता है, सॉरी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाता है। और अगर मैं बात करूँ नीलगिरी हिल्स की, तो ये आपको कहाँ देखने के लिए मिलेंगी, तो ये आपको वेस्टर्न घाट में देखने के लिए मिल जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दोदा बेटा पीक इज सिचुएटेड इन, देखिए पीक और माउंटेन रेंजेस के बारे में क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है दोदा बेटा पीक के बारे में। तो दोदा बेटा चोटी जो है ये कहाँ पर स्थित है, अन्नामलाई हिल्स में, नीलगिरी पहाड़ियों में, विंध्य रेंज में या सतपुड़ा रेंज में, इस तरह का यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे नीलगिरी हिल्स में ही दोदा बेटा सिचुएटेड है, तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाता है इस केस में। और अगर मैं, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि नीलगिरी हिल्स के बारे में कहाँ पर मौजूद है, तो आपको पता है ये वेस्टर्न घाट में मौजूद है। ठीक है, अब यहाँ पर जो दोदा बेटा हाईएस्ट पीक है, बेसिकली नीलगिरी जो है वो वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट का जो कॉन्फ्लुएंस होता है, जहां पर एक दूसरे का इनका जंक्शन पॉइंट है, जहां पर ये मिलते हैं, वहां पर आपको नीलगिरी हिल्स देखने के लिए मिलेगी। और वहां की हाईएस्ट माउंटेन रेंज है दोदा बेटा, जिसकी हाइट कितनी है 2637 मीटर, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सदर्न मोस्ट रेंज ऑफ इंडिया इज, नीलगिरी है कि अन्नामलाई है कि कार्डमम है कि नल्लामलाई है। देखिए नाम बहुत ज्यादा सिमिलर लगते हैं और नाम के कारण ही हमको कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है, तो उसके केस में यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो कार्डमम है, जैसे कि जो कार्डमम हिल है, उसको यहाँ पर किस रेंज में बोला गया, दक्षिणी सीमा, सबसे दक्षिणी सीमा है भारत की। अब यहाँ पे देखिए कार्डमम का इलायची कर दिया गया, इलायची नहीं, इसको कार्डमम ही लिखेंगे, आप लोग कार्डमम नाम से ही याद रखेंगे, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। बेसिकली इसका नाम कार्डमम क्यों पड़ा है, क्योंकि यहाँ पर इलायची का उत्पादन बहुत ज्यादा किया जाता है, इलायची के उत्पादन में सबसे अग्रणी है, इसलिए याद रखेंगे इसी के नाम पर यहाँ पर इसको कार्डमम हिल्स कहा गया है। ये कहाँ मौजूद है, तो ये भी आपको वेस्टर्न घाट में देखने के लिए मिल जाती है, वेस्टर्न घाट में आपको देखने के लिए मिलेंगी। अगर मैं ईस्टर्न घाट की बात करूंगी, तो ईस्टर्न घाट में आपको बहुत सारे पोर्ट्स देखने के लिए मिलेंगे, तो बहुत सारे पोर्ट्स आपको ईस्टर्न घाट में मिलेंगे, और वेस्टर्न घाट में यहाँ पर आपको हिल्स बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, अगेन हमने नहीं सुमेलित नहीं है वो वाला क्वेश्चन ही लिया हुआ है, गर्जात हिल्स, मांडव हिल, नल्लामलाई हिल और शेवरॉय हिल्स। ठीक है, इनके बारे में बताना है आपको कहाँ पर कौन सी अवस्थित है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे ऑप्शन बी, तो मांडव हिल महाराष्ट्र लिखा हुआ है, लेकिन मांडव हिल महाराष्ट्र में उपस्थित नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन बी जो है ये हमारा सही हो जाता है कि भाई ये बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। तो मांडव हिल बेसिकली कहाँ पर है, तो ये आपको देखने के लिए मिल जाएगी गुजरात में, इसे आप ध्यान रखें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करते चलिए, बफरिंग की समस्या हटा दी गई है, अब उतनी ज़्यादा बफरिंग नहीं हो रही है, तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते चलिए। आगे बढ़ते हैं, इन विच पट गौरलता पीक इज सिचुएटेड। तो देखिए गौरलता शिखर के बारे में यहाँ पर बात करी गई है, ये कहाँ पर किस पट में अवस्थित है, समरी पट, मेन पट, अलग अलग लिखे हुए ना, जशपुर पाट और जारंग पाट, यहाँ में किस जगह पर ये शिखर अवस्थित है, तो याद रखेंगे आप लोग अगर इस शिखर की बात कर रहे हैं तो समरी पार्ट में ये अवस्थित है, तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट हो जाता है। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ समरी पार्ट है कहाँ, तो ये छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में है, इसे आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट साइलेंट वैली लोकेटेड इन इंडिया, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, साइलेंट वैली पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो साइलेंट वैली इंडिया में कहाँ लोकेटेड है इसके बारे में पूछा गया है, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका या असम, कहाँ पर अवस्थित है अगर पूछा गया है, तो याद रखना है आपको ये आपको केरला में देखने के लिए मिल जाएगी, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाता है। इसी के नाम पे यहाँ पर एक नेशनल पार्क भी है, जिसे हम बोलते हैं साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये नेशनल पार्क भी आपको केरला में ही देखने के लिए मिल जाता है। बेसिकली केरल में भी कहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा, तो आज हम नीलगिरी हिल्स पे ज्यादा बात कर रहे हैं, तो नीलगिरी हिल्स में ही आपको यहाँ पर ये पार्क देखने के लिए मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, द इंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज दैट सक्सेसिवली चेंजेस इन अ पर्टिकुलर एरिया आर कॉल्ड,
समुदायों का संपूर्ण अनुक्रम जो किसी विशेष क्षेत्र में क्रमिक रूप से बदलता है क्या कहलाता है, एक सीक्वेंशियल फॉर्म में बदलता है तो उसे हम क्या कहते हैं। तो पिरामिड ऑफ बायोमास तो नहीं होता है, बायोमास का पिरामिड चेंज नहीं, क्योंकि यहाँ पर बात करी बदलता है, वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। सामुदायिक गतिशीलता कम्युनिटी डायनेमिक्स बिल्कुल नहीं हो सकता है। पारिस्थितिकी उत्तराधिकार भी नहीं हो सकता, इकोलॉजिकल सक्सेशन की बात भी नहीं करते हैं। यहाँ हमारा ऑप्शन हो जाता है सेरे, जिसको यहाँ पे सूखा लिखा हुआ है, सूखा इसका सही शब्द नहीं है, इसको आप सेरे नाम से ही पढ़ेंगे। तो सेरे जो है यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाता है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाता है, जहाँ पर इंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज क्या होती है, सक्सेसफुली किसी एक पर्टिकुलर एरिया में चेंज होने लगती है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इकोसिस्टम इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीज प्रोडक्टिविटी, घटती उत्पादकता के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थिति का सही अनुक्रम है। ये हमने एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस लिए हुए हैं, एनवायरनमेंट अलग से एक वेटेज रखता है आपको पता है, और एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस आजकल बहुत ज़्यादा पूछने लगे हैं, तो ये याद रखेंगे आप लोग कि जब भी हम बात कर रहे हैं घटती उत्पादकता के बारे में तो सबसे पहले नंबर पर कौन सी चीज़ आती है, तो सबसे पहले नंबर पर मैनग्रूव्स आते हैं, ऑप्शन सी। देन उसके बाद हमारे ग्रासलैंड्स आते हैं, देन फिर लेक्स आते हैं, देन फिर हमारे ओशंस आते हैं, तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। यही करेक्ट सीक्वेंस है एक इकोसिस्टम में डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी का, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर इन एन इकोसिस्टम, एक लेवल से दूसरे लेवल में जब जाते हैं तो जो हमारी एनर्जी होती है उसका ट्रांसफर कैसे होता है इकोसिस्टम में, तो ये याद रखेंगे, ये क्या होती है, हमेशा डिक्रीज होती है। इसको हम ऐसे समझ के चल सकते हैं कि जब भी हम एक इको सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पर होता क्या है, जैसे कि पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों ने अपनी ऊर्जा बनाई, उन्होंने एक ऊर्जा डेवलप करी। अब पेड़ पौधों को सपोज किसी हिरण ने खाया, अब जब ये हिरण पेड़ पौधे खाएगा तो ऑलरेडी पेड़ पौधे ने जो ऊर्जा बनाई है उसका थोड़ा सा पोर्शन वो अपने आप पे कंज्यूम कर लेंगे, फिर थोड़ा सा पोर्शन बचेगा जो वो हिरण खा लेगा, अब हिरण भी कुछ पोर्शन कंज्यूम करेगा, देन उसके बाद उसको शेर खा लेता है, तो शेर के पास थोड़ी सी ऊर्जा जाती है, और फिर शेर के ऊपर आप देखेंगे कि बहुत सारे एस्केवेंजर्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं इन पर जो डिपेंड करते हैं, डीकम्पोजर वगैरह जो रहते हैं जो इनको कंपोज करने का काम करते, वो जब इस शेर को खाएंगे, जब ये मर जाएगा तब इसको खाएंगे, तब उस समय पे क्या होगा कि जो भी थोड़ी बहुत ऊर्जा शेर में रही होगी वो इनमें चली जाएगी, तो इस तरह से ये क्रम चलता रहता है, ठीक है ना। तो वही है कि जैसे जैसे हमारा ये लेवल बढ़ता जाता है तो एनर्जी क्या होती जाती है, डिक्रीज होने लगती है। ऐसा नहीं कि आपने जितनी एनर्जी बनाई है उतनी पूरी एनर्जी नेक्स्ट लेवल पर चली जाए, थोड़ा सा आप कंज्यूम करेंगे फिर नेक्स्ट लेवल पर जाती है। नेक्स्ट है, द पिरामिड ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज, जब भी हम एनर्जी के पिरामिड की बात करते हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया क्या हो रहा है, घटती है, तो पहले बहुत बड़ी थी फिर घटी फिर घटी, तो आपको कैसा पिरामिड देखने के लिए मिलेगा, अपवर्ड पिरामिड देखने के लिए मिलेगा, अपराइट पिरामिड देखने के लिए मिलेगा। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर, अगर हम बात करें कि हमारा ऑप्शन ए जो है ऑलवेज अपराइट, हमेशा सीधा, ये बिल्कुल सही हो जाता है। तो यहाँ तक हो गए हमारे आज के 15 क्वेश्चंस, ये मैंने आपको आंसर की प्रोवाइड कर दी गई है। यहाँ पर मैंने तीन सब्जेक्ट्स आज कवर किए, अगेन हिस्ट्री ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट को हमने कंसीडर किया है। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे तो हमें ढेर सारा प्यार दीजिए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके चलिए हमारे चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी इस तरह से प्रैक्टिस करते जाएं, और प्रैक्टिस आप जितनी ज़्यादा करेंगे ना उतने अच्छे मार्क्स आपके एग्जाम में आएंगे और उतने अच्छे से आपका एग्जाम क्लियर हो पाएगा। तो हम इसी उम्मीद के साथ आपके लिए सीरीज लेकर आए हैं कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें, और ज़्यादा प्रैक्टिस करने से आपका स्कोर बहुत अच्छा है, और इसी तरह की सीरीज हम लेकर आते रहेंगे। तो प्लीज़ इस तरह की सीरीज देखते रहिए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, थैंक यू सो मच।